एल्विश यादव ने की तेजस्वी प्रकाश के साथ डांस। दोनों की डांस वीडियो हो रही है वायरल। फैंस कर रहे हैं दोनों की जोड़ी को पसंद। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। एल्विश यादव को बिग बॉस के OTT के सीजन 2 में देखा गया था। एल्विश यादव इस शो से काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुए। वैसे एल्विश की पॉपुलैरिटी पहले से ही काफी ज्यादा थी और इस शो को जीतने के बाद तो एल्विश की पॉपुलैरिटी में मानो 4 चांद लग गए। एल्विश को फैंस बेहद पसंद करते हैं और एल्विश जो भी चीज करते हैं उसमें फैंस उन्हें पूरा सपोर्ट दिखाते नजर आते हैं। एल्विश ने अब तेजस्वी प्रकाश के साथ एक रील शेयर किया जिसमें दोनों डांस करते हुए नजर आए। इसमें दोनों की केमिस्ट्री शानदार नजर आ रही थी। एल्विश यादव ने ऐदाना नच गाने पर तेजस्वी प्रकाश के साथ रील बनाई और दोनों ने डांस किया और इसे देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। दोनों की जोड़ी और दोनों की केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया। आपको बता दें कि एल्विश यादव को बिग बॉस के घर में देखा गया था और वहां पर उनकी बॉन्डिंग मनीषा के साथ बनी थी। मनीषा और एल्विश को फैंस प्यार से एल्विशा कहते हैं और एल्विशा फैंस मनीषा के साथ एल्विश की जोड़ी को काफी पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि एल्विश यादव ज्यादा से ज्यादा रील या वीडियो मनीषा के साथ बनाए। वहीं एल्विश यादव की गर्लफ्रेंड है और जिसे लेकर एल्विश बेहद पॉजिटिव है। वैसे तो उन्होंने अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ज़्यादा बातें नहीं की है और ना ही कुछ ज़्यादा शेयर किया है, पर हाँ वो इतना ज़रूर कहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड है और वो उसी से शादी भी करेंगे और इस वजह से वो किसी के साथ अपना नाम जोड़ना नहीं चाहते हैं। जहाँ तक बात मनीषा की है तो वो उनकी दोस्त है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वहीं एल्विश यादव एल्विशा फैंस को कई बार धमकी भी देते नजर आए हैं और कहा है कि फालतू की बातें मनीषा के साथ ना जोड़ी जाए जब मेरा और उसका ऐसा रिश्ता नहीं है, और अगर आप अपनी एक सीमा भूल जाएंगे तो मैं भी कुछ ऐसा कर दूंगा जिससे कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। वेल, एल्विशा फैंस एल्विश के इस बर्ताव से बेहद नाराज हो जाते हैं। वहीं उन्हें एल्विश और मनीषा की जोड़ी बेहद पसंद आती है। अब फैंस यही चाह में है कि कब इन दोनों का फिर से रीयूनियन होता है। वेल, क्या कहना है आपका एल्विश और तेजस्वी की इस रील वीडियो को लेकर, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।